गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश मेड़ा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेसन ऑफ क्लास 12th ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स। सो हियर इज द थर्ड यूनिट ऑफ क्लास 12th, योगा एंड लाइफ स्टाइल। आप सभी को मालूम है कि योगा की आज की तारीख में कितनी इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को पता है भी कि योगा कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताऊँगा कि एक्चुअली योगा कहाँ से आया, किसने स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन क्या है, उस तरीके से हम लोग थोड़ा उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो फॉर इंट्रोडक्शन, योगा इज़ एन ओल्ड डिसिप्लिन फ्रॉम इंडिया। इट इज़ बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। योगा यूजर्स ब्रीदिंग टेक्निक, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। सो आपको पता है कि योगा में कौन कौन सी चीज़ें होती है। योगा में बहुत सारे प्रकार के आसन्स होते हैं, बहुत सारी मेडिटेशन की टेक्निक होती है, बहुत सारी ब्रीदिंग की टेक्निक होती है, जो हमें स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हेल्थ एंड हैप्पीनेस। योगा के थ्रू हम लोग जो हमारा हेल्थ का स्टेटस है उसको सुधार सकते हैं। अगर हमें किसी प्रकार की कुछ बीमारीज है, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग योगा के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। पतंजलि वॉज द पायनियर ऑफ क्लासिक योगा। ही डिफाइंस योगा इज द केसिशियस ऑफ द मॉडिफाइंग ऑफ द माइंड। ठीक है, योगा क्या है, जो हमारे माइंड का जो भी स्टेटस है उसको स्टेबल रखता है, उसको कूल डाउन करता है योगा के थ्रू। इस पर्सन डूइंग योगा विल मूव फ्रॉम वन पोस्चर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल द सन सोल्यूशन कंटेंस 12 पोजेस ऑफ आसन। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि कोई भी अगर योगा कर रहा है तो योगा में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर आसन की बात कर रहे हैं। आसन में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सन सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप में बटा हुआ, उसमें अलग अलग पोस्चर्स होते हैं जिसको हम लोग एक के बाद एक क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक मंत्रा फॉर ईच आसन। द सन सोल्यूटेशन इज प्रॉपरली नोन एज सूर्य नमस्कार। ठीक है, जहां पर हम लोग सन सोल्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, हम लोग आप लोग जो जानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में अलग अलग प्रकार के पोस्चर होते हैं जो 12 स्टेप में विभाजित होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि योगा की एक्चुअली मीनिंग क्या है। द ओरिजन ऑफ द वर्ड योगा इज फ्रॉम संस्कृत वर्ड फ्रॉम यूज विच मीन्स टू ज्वाइन। जो योगा वर्ड है वो कहाँ से आया, एक संस्कृत वर्ड से आया है। ठीक है, योगा एक संस्कृत वर्ड से आया है। वहाँ पर एक वर्ड है संस्कृत वर्ड, उसमें एक यूज है, यूज मीन्स टू ज्वाइन। यहाँ पर हम लोग योगा में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो साधु रहते थे पुराने ज़माने में, अभी भी बहुत सारे हैं, वो योगा के थ्रू भगवान के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। वो लोग अपनी साधना में इतने लीन हो जाते हैं कि वो भगवान को अपने आप में फील करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द पतंजलि द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इज टू स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा मीन्स सोल एंड परमात्मा सुपर कंट्रोलर। यहाँ पर जो पतंजलि ने एक डेफिनेशन दी है, इट इज स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योगा में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप लोग योगा के थ्रू अपने मेडिटेशन के थ्रू जो आपकी इनर सोल है और जो आत्मा परमात्मा जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप उसके थ्रू भगवान के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। आप उतने लीन हो जाते हैं कि आप जो भगवान की जो फील्स है उसको आप अपने आप में प्रेजेंस फील करते हैं उसको। एक और दूसरी जो डेफिनेशन है वो सत्यपाल जी ने दी है, योगा इज अ डाइवर्ट फ्रॉम संस्कृत वर्ड मीन्स यूज विच मीन्स टू यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। यहाँ पर फिर से यही चीज़ रिपीट हो रही है कि जो योगा में हम लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग भगवान में लीन हो जाते हैं, उसमें अपने आप को भगवान को फील करते हैं योगा के थ्रू। सो हियर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ योगा।
योगा इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट ऑफ लिविंग फॉर हेल्दी एंड हैप्पी एंड प्योरीफाई बॉडी एंड माइंड टू इट्स ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पर जो योगा क्या एक प्रकार का साइंस है, साइंस किस प्रकार से हम लोग बिना मेडिटेशन लिए किसी बीमारी को योगा के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग क्योर कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। जैसे हमारे कुछ बॉडी पोस्चर है या तो फिर हमें कुछ ओबिसिटी जैसी कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे हम योगा के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। इट डेवलप्स एबिलिटी टू कंट्रोल आवर सेंसेस ऑर्गन टू फंक्शन प्योरली। यहाँ पर फिर एक और चीज़ हो रही है कि हम लोग योगा के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छी तरह से काम करने के लिए योगा से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। अगर हम लोग योगा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स है वो अच्छी तरह से काम करेंगे, प्रॉपरली वर्क करेंगे। इट हेल्प्स टू रिलीफ आई स्ट्रेस एंड टेंशन टू लीड अ पीसफुल लाइफ। यहाँ पर हम लोग फिर से बात करें कि योगा के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फायदे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं योगा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ किसी प्रकार को लेकर टेंशन हो रही है, किसी प्रकार को लेकर हम लोग स्ट्रेस में आ गए हैं, तो हम लोग योगा के अलग अलग आसन या मेडिटेशन करके क्या कर सकते हैं, उसको जो हमारा टेंशन है, जो हमारा स्ट्रेस है, उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में जो फर्स्ट पॉइंट है वो आ रहा है, इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। योगा आसन एंड प्राणायाम्स इम्प्रूव्स द इफिशियंसी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दस इंड्योरेंस इज हाईली डेवलप विथ सफिशियंट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ एबिलिटी, इट स्ट्रेंथेंस रेस्पिरेटरी मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स टू ऑप्टिमम लेवल। यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं कि योगा के क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो हमारा ब्लड का क्योरिफिकेशन करता है, जो हमारा ब्लड का जो भी फंक्शन है उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। योगा आसन्स प्राणायाम्स एंड क्रियाज इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंस है वो योगा की क्या है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र का जो भी सिस्टम है, हम योगा के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। उसमें हमारे पास अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, खाना सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता, तो हम लोग योगा की क्रिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा रिलैक्सेस द बॉडी एंड माइंड, इट रिमूव्स द स्ट्रेस टेंशन एंड वरीज, दस इट फ्रेशनेस अ माइंड एंड सोल कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है योगा में का जो दूसरा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो जो हमारे किसी बात को लेकर हम लोग किसी स्ट्रेस में आ गए, किसी बात को लेकर हम लोग किसी टेंशन में आ गए, या हमारी किसी बात को लेकर हम लोग किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, तो हम लोग योगा की क्रियाएं, योगा की आसन की तो क्या कर सकते हैं, उसको उस स्ट्रेस को टेंशन को हम लोग दूर कर सकते हैं, जो हमें अपने आप को एक हैप्पीली लाइफ जीने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज गुड पोस्चर एंड टोनिंग ऑफ बॉडी मसल्स। योगिक आसन टोन्स अप बॉडी एंड इट्स मसल्स, इट्स शार्पन्स द बॉडी टू लुक अट्रैक्टिव। यहाँ पर जो हम योगा के थ्रू जो हमारे बॉडी का पोस्चर है उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है, तो उनका जो बॉडी पोस्चर है, जिनकी हाइट कम है उनका उनकी बॉडी का वेट के कारण जो उनका बॉडी का पोस्चर है, ठीक है, उनके चलने का तरीका या तो फिर उनके जो बॉडी का अपीयरेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी का वेट है, उनकी जो एज है या उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, उनका बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़, जैसे बहुत जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है उनमें भी जो बॉडी की जो डिफॉर्मिटीज है वो आ जाती है। उनकी अगर हाइट ज़्यादा है तो क्या होता है, वो लोग सीधे नहीं चलते हैं, उन लोग जो अपनी बॉडी का पोस्चर है उसको ऊपर से क्या करते हैं, थोड़ा कर्व में ले आते हैं, तो वो उस आदत के कारण, उनकी हैबिट के कारण क्या होता है, उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती है, जिसमें हम लोग जैसे बात करेंगे काइफोसिस है, लोडोसिस है, ये इस प्रकार की बॉडी की जो डिफॉर्मिटीज, जो हमारी स्पाइन है वो क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी
बॉडी है वो अट्रैक्टिव नहीं दिखती है। उसमें हम लोग बहुत सारे लोग हमारी बॉडी का जो पोस्चर है या तो फिर जो हमारे खड़े रहने का तरीका है, किसी से बात करने का तरीका, उसको देखकर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो बॉडी की डिफॉर्मिटीज है उसमें वो आ गई है। ठीक है, हम लोग दूसरों जो नॉर्मल पर्सन है उसकी तुलना में थोड़े अलग दिखते हैं। तो यहाँ पर योगा के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उस चीज़ को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्योर डिसीज। योगा प्रैक्टिस प्रिवेंट्स एंड क्योर्स मैनी टाइप ऑफ डिसीज लाइक कोल्ड, कफ, अस्थमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है क्योर्स डिसीज, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग योगा के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अगर हमें कफ है या कोल्ड है, कफ या कोल्ड में जैसे अलग अलग प्रकार के क्या है, प्राणायाम से, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं। ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में अगर हमें कफ है, खांसी या सर्दी हो गई है, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है अस्थमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, उसमें भी जो योगा की क्रिया है अलग अलग प्रकार के प्राणायाम से, उसकी हेल्प या उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग ने देखा होगा कपाल भारती, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं से, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। अगर हमें इस प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही, जैसे यहाँ पर कफ है, कोल्ड है, अस्थमा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो हमें अलग अलग प्रकार से बहुत हेल्पफुल रहता है जो हम लोग योगा करेंगे। तो नेक्स्ट इज इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन। योगा प्रैक्टिसेस इम्प्रूव द हेल्थ एंड डेवलप हाइजीनिकल हैबिट्स द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर क्या है, योगा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी का स्टेटस है, हमारी बॉडी का हेल्थ का स्टेटस है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग योगा कर रहे हैं, योगा में अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज है, अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स है, उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी का हेल्थ स्टेटस है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे हाइजीन मीन्स जो हमारे साफ सुथरे तरीके से हम लोग बॉडी को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलप्स कॉन्सेंट्रेशन। वेरियस टेक्निक ऑफ योगा डेवलप्स द कॉन्सेंट्रेशन टू ग्रेट एक्सटेंट, दस मेमोरीज रिकॉल एबिलिटी इंक्रीजेस। द मेडिटेशन टेक्निक्स स्टेबलाइज द डिफिकल्टेड माइंड एंड इन प्रॉपर डायरेक्शन। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट डेवलप्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। हम लोग योगा के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन, माइंड को कॉन्सेंट्रेशन करके जो हमारी मेमोरी की एबिलिटी है, ठीक है, हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, हम लोग उसको जल्दी ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, योगा के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे मेडिटेशन के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करके उनको अपने डेली रूटीन में ला के इन सब चीज़ों की जो हमारी मेमोरी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन में हम लोग जो हमारे माइंड का जो डिस्टर्बेंस है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा माइंड सही नहीं है, सही तरीके से उसको काम नहीं कर रहा है, हम लोग बार बार किसी बात को लेकर टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो मेडिटेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम कार्डिक प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिस ऑफ योगा क्योर्स द इम्प्रूव्स द इफिशियंसी ऑफ हार्ट, इट कीप अस अवे फ्रॉम कार्डिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्या है, हम लोग कार्डिक, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हमें सही तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड हमें कुछ ही प्रकार की बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, शरीर में किसी प्रकार की हमें परेशानी हो रही है, तो हम इसके थ्रू, योगा के थ्रू क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको जो इसके इंपॉर्टेंस है, उसके जो पॉइंट्स है, एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ। इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, देन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, देन रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम योगा के थ्रू हम अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज गुड पोस्चर एंड टोनिंग ऑफ बॉडी मसल्स। योगा के थ्रू हम लोग जो हमारे बॉडी का पोस्चर है, अगर हमें किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज आ गई है, जैसे मैंने आपको बोला कि काइफोसिस, लोर्डोसिस, स्क्लोसिस, ये अलग अलग प्रकार की बॉडी में डिफॉर्मिटीज है, तो हम लोग योगा के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। देन क्योर डिजीजेस।
योगा के थ्रू हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग प्रकार की डिसीज हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कफ है, कोल्ड है, अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो हम लोग योगा के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। योगा में अलग अलग प्रकार के पोश्चर से, क्रिया से, ठीक है, प्राणायाम से, तो इन चीज़ों के द्वारा हम लोग अपने शरीर में अलग अलग प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। देन डेवलप्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग बात करें कि जो हमारी मेमोरी एबिलिटी है, जो हमारी याददाश्त की शक्ति, उसको हम लोग उसकी अलग अलग योगा की टेक्निक्स और क्रिया के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो हमारी मेमोरी पावर है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। देन अवे फ्रॉम कार्डिक प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रकार की हार्ट से रिलेटेड हमें कुछ किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी प्रकार की डिजीज हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे यूनिट 3 का जो फर्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अभी यहाँ पर आप लोग घर पे अगर इस नोट्स के थ्रू अगर नहीं जा रहे तो आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।